और ये आ चुका है धुमाकोट बाजार। अच्छा ये धुमाकोट बाजार। आज भैया क्या रहा हम घूमना खड़े ये है धुमाकोट नीचे। अच्छा धुमाकोट बाजार लेट होगा फिर खाना भी तो यहाँ पे जाओ। चलो रहा हूँ जी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ खाने के। हाँ अरे यार तो दगड़ो मैं छो इतना धुमाकोट बाजार में और मैं मिल गया हमें एक सज्जन। तो सबसे पहले नमस्कार आपसे। नमस्कार। हेलो सर। तो आपका शुभ नाम? श्री सत्यपाल सिंह रिंकू होटल के नाम से। अच्छा रिंकू होटल के नाम से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आप थे कद समय हो गया लगभग? ये चाहिए 26 साल हो गई ये होटल में 26 साल। तो आप दगड़ कोई और बिच्छी कोई लड़का कोई तरी कोई नहीं है तो भीड़ रहे लगातार धुमाकोट बाजार में? थोड़ा बहुत आजकल तो कम हो गया ना। अच्छा कम हो गया। हाँ नहीं तो एक ही दिन मतलब कदा कदा अपना देना था आप? मैं 35-35 पहले पहले माने पहले ना 35-35 किलो चावल चावल 35 किलो एक दिन में निकल जाता है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब इतनी भीड़ रहती होगी ना? हाँ पहले थी अब नहीं है। अब तो 10-12 15 मान के चलिए। फिर भी धुमाकोट बाजार में काफी रौनक है। अच्छा तो गांव का चापा खुटीरा कदा दूर पड़े थे? एक 5.5 किलोमीटर। 5.5 किलोमीटर है। हाँ जी। अच्छा अच्छा और घर में कुछ? बस दोनों फैमिली बस। अच्छा दोनों फैमिली बच्चे बाहर है। बच्चे बाहर थे। तो आप उम्र कदा चापक लगा? मेरी 56 उम्र। 56 साल। अब देखो ये हम 56 साल में भी जो हम आपको आपके अंदर जो वो एक्टिवनेस वो जबरदस्त है हमारे और बिहार आप बहुत जबरदस्त है। हम जो बहुत गदगद हो बहुत खुश हुआ। मैं तो पहला आना छो पहला धुमाकोट। तो आप बहुत बहुत आभार धन्यवाद। जो प्राइस है ना बहुत सही है। हाँ प्राइस अच्छा है बहुत खाने का। देखो आप भाई साहब की चौथी से आप दूसरे दिन आगे चार कस्टमर आ लाएंगे चार उलागे चार उलाएंगे। बात हो तो एक दूसरे की चीज